वहीं केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह 14 अप्रैल को बिहार पहुंच रहे हैं। जमुई में एनडीए कोटे से एलजेपी प्रत्याशी अरुण भारती के लिए चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। जमुई के एसकेएस मेमोरियल स्टेडियम में राजनाथ सिंह का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके अगले दिन यानी कि 15 अप्रैल को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवादा में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर विवेक ठाकुर के लिए चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। नवादा के अकबरपुर में योगी आदित्यनाथ 12:30 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बीजेपी के स्टार प्रचारकों का अब बिहार आने का सिलसिला तेज होता जा रहा है। चुनाव नजदीक आने के साथ साथ कितना प्रभावी होगा, संपादक अशोक मिश्रा से जानते हैं। अशोक जी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के साथ ही राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के स्टार प्रचारकों की बिहार में खासी डिमांड है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी 4 लोकसभा क्षेत्र जो पहले चरण में बिहार में मतदान होने को है उसमें से मात्र 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, औरंगाबाद और नवादा में, जबकि 1 सीट हमको दे दी गई है गया और दूसरी सीट चिराग पासवान की पार्टी को जमुई दी गई। लेकिन प्रधानमंत्री ने सबसे पहले अपने जो गठबंधन घटक दल हैं उनके चुनाव क्षेत्र से ही चुनावी सभा की शुरुआत की है और चिराग पासवान के बहनोई जो जमुई में चुनाव लड़ रहे हैं उनके चुनाव क्षेत्र से बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की है। इसके बाद नरेंद्र मोदी फिर नवादा पहुंचे और उन्होंने अपने बीजेपी के उम्मीदवार के विवेक ठाकुर के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार किया है। अब बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है, लेकिन बीजेपी के नेता यह भी ध्यान रख रहे हैं कि गठबंधन में जो दल शामिल है उनके चुनाव क्षेत्र में भी बीजेपी नेताओं का कार्यक्रम हो, और ये स्वाभाविक भी है चूंकि इनकी डिमांड है। इसलिए राजनाथ सिंह, चूंकि वो जमुई विधानसभा समेत कई जो क्षेत्र हैं उसमें जो राजपूत मतदाता है उनकी संख्या काफी अच्छी मानी जाती है, इसलिए राजनाथ सिंह का कार्यक्रम जमुई में तय हुआ है और नवादा में योगी आदित्यनाथ का तय हुआ है। और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी कार्यक्रम बना है गया में और फिर अन्य बड़े नेताओं भी यहाँ पे पहुंचेंगे, चूंकि औरंगाबाद में भी योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम तय है और वो भी एक तरह से चुनाव प्रचार के अंतिम दिन के पहले तक आ जाएंगे। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है अपने गठबंधन दलों के लिए भी, और यही वजह है कि बीजेपी के सभी बड़े नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम हो चुका है, आज अमित शाह जी का कार्यक्रम है, उसके बाद से राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम तय किया गया। जी धन्यवाद अशोक जी तमाम जानकारियों के लिए।